6 hours later. कुछ मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी तो उसका आपको आंसर बताना है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस, और इसका आंसर आपको बताना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. मूव व्हेन डू एनिमल्स गेट देयर फूड, तो इसका आंसर आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. तो ये रहा आंसर, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताती हूँ. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, तो यही है इन सबका आंसर्स. हे गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. और आज का ये जो वीडियो है, आज मैं आप सब लोग अपने ड्राइंग्स के कुछ फोटोज दिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने वॉल पे लगाया था. चलो स्टार्ट करते हैं. ये है राम और सीता का ड्राइंग जो कि इस पर मुझे ना मेहनत नहीं लगा. पहले मैंने अच्छे से इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, फिर उसके बाद पेंट किया है, वो भी वाटर कलर से. आप या तो क्रेयॉन्स कुछ भी कलर से आप ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट तो नेक्स्ट ये है कृष्णा और राधा का ड्राइंग. इसमें भी मुझे थोड़ा टाइम लगा है बनाने में. ये देखो, तो मैंने पहले कृष्ण को बनाया था, फिर राधा को बनाया था, फिर कृष्ण को कलर किया था, फिर राधा को कलर किया था. और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आया, मैंने डिज़ाइन भी बनाया यहाँ पर. नेक्स्ट है ये आइस जो कि मैंने स्कूल पर बनाया था, जिसने मुझे वेरी गुड किया है. और नेक्स्ट है ये एक लिफ, तो लिफ भी होना अच्छा नहीं बना, फिर भी मुझे यहाँ पर भी वेरी गुड किया है. और नेक्स्ट और अच्छा नहीं है. तो नेक्स्ट है ये रोज जो मैंने स्केच पेन और पानी से बनाया था. पहले मैंने स्केच पेन से फ्लावर जैसा बना लिया, फिर पानी से इसको ऐसे ब्लेंड कर लिया, तो ऐसा सुंदर सा कलर बन गया है. देखो यहाँ पर ग्रास से बना दिया मैंने. नेक्स्ट ये छोटा सा मिनी सा पोते थे, ये ना मैंने छोला बनाया था, इसमें मैंने किसी को बना भी सकती थी यार, कोई बनी. और नेक्स्ट आप देखो, तो ये है मेरा नेक्स्ट छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा उससे. और इसमें मैंने ये पत्ते ना मैंने कॉटन से बनाए ऐसे. तो नेक्स्ट है ये वाला जो मैंने शॉर्ट पे डाला था. अगर ये वाला भी आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना जिससे. और नेक्स्ट है ये वाला, ये भी मैंने शॉर्ट पे डाला था, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है. यहाँ पर ना मैंने कलर्स के जो ठक्कर होते हैं पापा, मैंने पेन लगा के ऐसे ऐसे कर दिया. मैंने रेड और पर्पल ही लगाया था इसमें. और देखो, और नेक्स्ट है ये वाला, और ये वाला थोड़ा कोल्ड जैसा था, ये भी मैंने शॉर्ट पे ही डाला था, ठीक है. और नेक्स्ट है ये देखो, इस पर भी मिस ने मुझे वेरी गुड नीचे है बना. ये बीच मैंने बनाया है. ये देखो, ये सन आपको दिख रहा होगा, सनसेट हो रहा है. और ये बनाना ट्रीज बनाया मैंने, और ये छोटा सा बनाव है, आधा में बनाया है. यहाँ पर बताती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड दिखना चाहिए ना, इसी मैंने इसको साइड में बनाया. और ऐसा तो ऐसा तो रेट है पूरा, इसमें रेट थोड़ा ब्लैक ही किया है, और इसको भी ब्लैक, इसको भी ब्लैक, थोड़ा अच्छा नहीं देखो फिर. और नेक्स्ट है ये वाला जो मैंने अच्छा नहीं बताया, अगर आपका अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना. और नेक्स्ट है नेक्स्ट, तो ये सब मैंने आपको दिखाई दिया, रुक मैं थोड़ा आपको दूर जाकर दिखाती हूँ. सो इतना ही मैंने कुछ बनाया. और इस तरफ ही है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एक कैट है, ऐसे मैंने बनाया था लगा, ठीक है. इनमें सर मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए. और नेक्स्ट है इस तरफ, देखो यहाँ पर फिर मैंने लगाया है ये वाला. मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों एक साथ बनाया था ये, मेरी फ्रेंड और मैं जब स्कूल पर गई थी. और यहाँ पर फिर मैंने मेरी फ्रेंड को दिया, ये इसमें फिर मुझे पहले को दिया. और नेक्स्ट ये वाला मॉडल गर्ल दिखाएगा आप लोगों. और नेक्स्ट ये वाला देखो, ना इतना अच्छा नहीं बना. और ये दोनों ऐसे मैंने बनाया था, पता नहीं क्या सोच के मैंने बनाया था, मुझे तो नहीं पता. तो आपको ये सारे मेरे ड्राइंग्स के पोर्ट्रेट्स कैसे लगे मुझे कमेंट पे बताना, ठीक है. तो मिलती हूँ मैं अगली बार. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.